राम राम। सर मैं हूँ प्रिया मैं हूँ मयंक और आपका आपको स्वागत स्वागत है है आपके आपके फेवरेट फेवरेट चैनल चैनल ब्रो से रिएक्शन में। तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं शिव रेंज छावा के ऑफिशियल ट्रेलर पे, और इसे डायरेक्ट किया है दीपपाल लांजेकर ने, और इसमें चिन्मय मांडलेकर और भूषण। तो सबसे पहले हमें ट्रेलर देख लेते हैं, उसके उसके बाद बाद डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वराज्याच्या नव्या छत्रपतींनी हे ध्यानी ठेवावे, हे श्रींचे राज्य अहत तंजावर ते तहत पेशावर व्हावे। तुम्हाला जर शिवाजी व्हायचं असेल ना शंभू बाळा, तर आपल्या रयतेच्या हितासाठी लढताना संताप शिवशंकराच्या तोडीचा हवा। पण शत्रूवरचं ध्यान आणि शस्त्राचं भान कधीही सुटता कामा नये। स्वारींना आज झाले तरी काय, असे हरवलेले का वाटतंय? स्वराज्याच्या सिंहासनाची जबाबदारी फार मोठी असते राणी सरकार। और अगर हिंदू आवाम को जीना है तो जजिया भरना पड़ेगा। कोरल महाराज गेल्यापासून त्यांना असं वाटलंय की ही तर कोणी वाली नाही, त्यांचं हे मत आपण भेदून काढायला हवं। कारण शिवराय नसते तरी त्यांचा अंश असलेला हा संभाजी आता सिंहासनावर बसलाय। हमें लगा शिवा के जाने के बाद मराठा दौलत रेत की ढेर की तरह रह जाएगी, लेकिन उस संभा ने मराठा दौलत को संभाला। मराठों के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करो। अगर उनके हुक्म की तामील ना हुई तो सिर उठाने के लिए किसी भी मराठे का सिर उसके धड़ पे नहीं रहेगा। अक्सर जंग में देखा जाता है कि जो पहले हमला करता है जीत उसी की होती है। आज हमारे जंग का असूल भी यही होगा। आगरा आणि दिल्ली नंतर बुरहानपूर हे मुघलांच्या दौलतीतलं तिसरं महत्वाचं ठाणं आहे। अशा नवीन आणि जुन्या मंडळींना आपल्या सर्व ताकदीनिशी एकत्र यावं लागेल। बाबासाहेबांनी पाहिलेलं अहत तंजावर ते तहत पेशावर हे हिंदवी स्वराज्याचं स्वप्न आपल्याला लवकरात लवकर साकारता येईल। संभाजी केवळ सिंहासनाधीश्वर राजा नाही तर तो परमप्रतापी छत्रपती शिवरायांचा छावा आहे। गाइज ये था ट्रेलर, और वैसे इस ट्रेलर का बहुत टाइम से वेट किया जा रहा था, जब से इसका टीजर और पोस्टर रिलीज किए गए थे तब से इसके ट्रेलर का वेट हो रहा था। और वैसे ये मूवी कमाल की आने ही वाली है, लेकिन जो ये पूरी सीरीज चल रही है और ये मतलब पूरी सीरीज जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो है दीपपाल लांजेकर सर, और उनका जो डायरेक्शन है वो काफी कमाल का है। और सीरियसली इस पूरे ट्रेलर के अंदर इतने कमाल कमाल के सीन थे और घूस बम्स आ रहे थे बार बार। और जैसे ही संभाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज बोलते हैं कि मैं मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का छावा हूँ, और फिर वो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं, और जो एंड वाला सीन वो बाघ का जबड़ा फाड़ने वाला सीन और चिन्मय मांडलेकर मतलब उनकी एक्टिंग तो हमने बहुत सारी मूवीज में वो छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में इतना बखूबी जचते है ना, जिस तरह उनके कॉस्ट्यूम्स है। और ये सारी सीरीज की जितनी भी मूवीज है ना सबकी एक खासियत है कि जिस तरह से शूट की गई ऐसे लगता है कि हाँ उसी टाइम में चले गए। और जिस तरह भूषण सर ने एक्टिंग करी है छत्रपति संभाजी महाराज की, इतने ज्यादा कमाल के डायलॉग्स, इतने तगड़े लुक्स, और हमने इनकी पहले भी मूवीज जो आई है पवन किड और सारी देखी है, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये मूवी देखने के लिए, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री से बेस्ड है और हमें भी बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी इस मूवी से भी। तो ये ट्रेलर हमें काफी ज्यादा कमाल का लगा। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। भी करते हैं इस वीडियो का
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल के लिए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।